इस सिलसिले में हमारे डॉक्टर काशिफ सत्तार साहब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, वो हमें इंफॉर्मेशन जो है इन रिलेशन टू आईटी थैंक्स सर नाउ Today's presentation is about use of IoT connected beehive monitoring system for bee health. Now, this is the agenda of the presentation. First of all, we'll discuss about the beekeeping basics, then we'll discuss about the cost benefit, the losses in this domain. Then we'll discuss data collection methods, which we are following nowadays, latest trends, nationally and internationally. Then we discuss reliable hive monitoring systems, what is the importance of data, particularly temperature, humidity, rate of the hive, then different sounds we can record for research and monitoring purpose, and finally video surveillance. Then we discuss about the IoT-based monitoring systems which are available internationally. We will discuss some research examples just for the sake of idea. Finally, I will discuss about the data communication and networking, because data collection is one aspect, and transfer of that data to the central online server is also important. And finally, a way forward, which is one of the objectives of this workshop. इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें तो रिपीट होंगी, बट क्योंकि आगे हमें आईओटी का यूज़ भी देखना है तो उसके कुछ हम उसमें दोबारा से देखेंगे। हनी बीज जो है ये उसका आपको पता है कि बहुत सिग्निफिकेंट रोल है दुनिया में 10,000 से 20,000 इसकी स्पीशीज हैं इसकी, और इसमें जो ग्लोबल फूड है उसका 1/3 जो है वो उसमें ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द पॉलिनेशन पर्पज। और डायरेक्टली जो है ना हम लोग एक हनी गेट कर रहे होते हैं एज ए बी कीपर, बट ऑन द अदर साइड इनडायरेक्टली हम उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो ह्यूमैनिटी के लिए, ये जो 1/3 ऑफ द ग्लोबल फूड है उसके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल फूड है। कल भी इसकी काफ़ी बात हुई थी कि इससे शुगर प्रोटीन माइनसेड इंग्रेडिएंट्स और मिनरल्स हैं वो गेट करते हैं। पाकिस्तान में मेनली 4 किस्म की बीज हैं, उसमें से जो ज़्यादा उसमें जिसपे काम हो रहा है वो एंफा है जो इम्पोर्टेड है। पाकिस्तान में बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है बीकीपिंग, रफली 10,000 बीकीपर्स हैं और 1 मिलियन की कई कॉलोनी एग्जिस्ट करती हैं। इसकी जो एनुअल प्रोडक्शन है वो अराउंड 13,500 टन है, जिसमें डिफरेंट 16 टाइप्स के हनी एग्जिस्ट करते हैं। जो छोटा शहर का चलता है उसमें 20,000 की भी ऑन एवरेज बीज होती हैं, जो लार्ज हाइव है उसमें 1 मिलियन के पे बीज होती हैं। एक हाइव के अंदर एक बीन हंड्रेड्स ऑफ लोन्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स, सबसे ज़्यादा मेहनत वाला काम है वो वर्कर बीज का होता है। एक बॉक्स की जो प्राइस है दैट इज अबाउट 7,000 to 8,000 रफली फॉर वर्ल्ड क्लास वन हो सकता है, बिकॉज डिफरेंट टाइप की हाइव जो अवेलेबल है। जो एनुअल हनी है पर बॉक्स वो पाकिस्तान में 15 से 25 किलोग्राम है, बट देर इज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल पाकिस्तान के अंदर भी, क्योंकि इंटरनेशनली देखें तो काफ़ी डॉक्टर आसिफ ने बताया था कि इंटरनेशनली जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें हार्वेस्ट हो रहा है नहीं, लेकिन हमारे यहाँ से जो एवरेज वो कम है ड्यू टू सम फैक्टर्स, तो इसको हम 4 to 5 times इंक्रीज कर सकते हैं अगर कुछ मैगेस हैं। साइडर हनी इज द बेस्ट हनी, जिसकी प्राइस है वो 3,000 के अराउंड है पर के जी, और ओवरऑल जिसकी प्राइस है वो 1,000 to 3,000 के दरमियान में रेंज करती है। अच्छा हनी जो है वो तो एक प्रोडक्ट है ही है, इसके
इसके अलावा जो इसके बाई प्रोडक्ट्स हैं उसमें रॉयल जेली, इस पर कल बात होगी थी डॉक्टर सिक्कर से, जस्ट उसमें लिस्ट कर देता हूँ। इसके अलावा पोलन जो है वो आप ले सकते हैं, प्रोपोलिस ले सकते हैं, जो कि ये तीनों चीज़ें जो है ये हेल्थ के लिए मेडिकल इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ हो रही हैं फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड अदर पर्पसेस। बीज वैक्स जो है ये कॉस्मेटिक्स में यूज़ होती है, सो उसको भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। बी पॉइजन भी जो है यूज़ होता है फॉर हेल्थ, तो ये भी बाय प्रोडक्ट्स हैं, ये आपकी जो प्रॉफिट है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। जस्ट इसमें दो तीन चीज़ें मैं हाईलाइट करूँगा, जैसे थॉरक्स है ये जो टॉप पार्ट है बेस के दरमियान में, इसको हम बाज दफ़ा इमेज प्रोसेसिंग के अंदर मार्किंग भी यूज़ करते हैं, डिफरेंट मटीरियल के साथ उसको मार्क कर देते हैं ताकि इमेज प्रोसेसिंग के अंदर विजिबल हो जाए और उसकी हम मॉनिटरिंग कर सकें। इसके अलावा जो टॉप है वो इसके स्टॉमिक में से रिजर्व करनी होती है, बाद में उसको हाइड में ये शिफ्ट करती है। थर्ड जो इसका इम्पॉर्टेंट है वो पोलन बास्केट है, जिसके अंदर से पोलन सिलेक्ट करने होते हैं। इसके अलावा जो है वो बाकी और नहीं आते हैं। तीन तरह की बीज हैं, उसमें एक मीन है जो कि अगर उसके फिजिकल शेप देखें तो थोड़ी सी लंबी होती है, उसकी टांगें बाहर होती हैं और थोड़ा सा इसका जो कलर है वो ब्राइट होता है। जो ड्रोन है, जो क्वीन है, ये ऑब्वियसली इसके जो मेन नाम है वो जियोपैक्स हैं और तकरीबन 1000 से 1500 एग्स पर डे में वो ले करने होते हैं। जो वर्कर बीज हैं जो होते हैं और ये जनरली ये एग्ले नहीं करती हैं, उनका जो काम है उसमें क्लीनिंग, इसके अलावा गार्डिंग हाइट, फीडिंग बेबीज, बिल्डिंग हनी कॉम्प, कलेक्टिंग नेक्टर, टेम्परेचर कंट्रोल, कम्युनिकेशन बिटवीन अदर सिस्टर बीज एंड अलर्ट्स। ड्रोन जो ये मेल होते हैं और नॉर्मली ये कुछ नहीं करते, ठीक है, सो इसके लिए हॉनी वेटिंग के यूज़ होते हैं अगर वो चांस क्लियर करें। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ हनी बीज। जो क्वीन है वो एग्ले करती है, उसके बाद लार्वा 6 डे का लार्वा आप देख रहे हैं सेकंड स्टेज पे, उसके बाद 10 डे का लार्वा आप देख रहे हैं वहाँ पे जो वर्कर फीड्स करती हैं लार्वा को, और उसके बाद जब फीडिंग हो जाती है तो उसको सीड कर देती हैं सेल को जब तक कि वो फुल ग्रोथ नहीं हो जाती। देन वो प्यूपा में कन्वर्ट होता है डे 15, उसके बाद डे 18 पे उसकी थोड़ी सी शेप बन जाती है और फाइनली जो एडल्ट बी है वो 21st डे पे बाहर आ जाती है। क्वीन का टाइम थोड़ा कम होता है बट जो वर्कर बीज हैं इनका टाइम 21 डेज। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दिखाई हैं इसलिए कि जब हम आईओटी का यूज़ करते हैं हाइव्स के अंदर तो जो उसका स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से हमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस भी करनी पड़ती हैं। मोर और लेस एक ही तरह की है लेकिन फिर भी उनमें जो डिफरेंसेज हैं उसकी वजह से हमें उन चीज़ों को भी कंसिडर करना पड़ता है कि जो डिवाइसेज हैं वो हम कहाँ पर इंस्टॉल करें ताकि वो बेहतर रिजल्ट दे सके। तो इसकी मैं डिटेल में भी नहीं जा रहा, ऑलरेडी आपको पॉइंट है इसमें ज़्यादातर जो लैंग्स है ये ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इनकी एक हिस्ट्री है जो 1800 से लेके आज तक चल रही है, काफ़ी इस पर काम हुआ। अच्छा, जब भी हमने मॉनिटरिंग करनी होती है या हमने प्रॉफिट को इंक्रीज करना है तो उसके लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लॉसेस किस किस्म के हो रहे हैं, ताकि हम उनमें से जो इम्पॉर्टेंट हैं जिसका ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है और जिनको हम पॉसिबली कर भी सकते हो उनको हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। ओवरऑल जैसे कल डॉक्टर आसिफ ने अपने टॉक में बताया था कि जो सी सी डी है कॉलोनियल कोलैप्स डिसऑर्डर, ये कलेक्टिव नाम दिया गया था इसको, उसका पेपर का रेफरेंस भी हमने दिया है। तो इसमें बहुत सी रीजन हो सकती हैं सी सी डी की, उसमें जो कुछ हैं यहाँ पे लिस्ट किए हैं, टेम्परेचर है, इम्यूनिटी, डिफरेंट डिजीज़ हैं, पेस्ट अटैक्स हैं, इंक्लूजन जो एक्सटर्नल होती है उसमें, रॉबरी अटैम्प्ट हैं, बी फाइट्स, क्लाइमेट इफेक्ट्स, वो आपकी जो पहले बात हो रही थी क्लाइमेट कितना इफेक्ट करता है, फिर सप्रेज ऑन क्रॉप्स एंड ऑर्चर्ड्स वो भी देखना होता है कि उसकी वजह से जो बीज हैं उसके ऊपर भी इफेक्ट आता है और उसके बाद जो उसकी प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी इफेक्ट आता है। तो जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतनी ही आपको उसकी जो प्रॉफिट उतना ज़्यादा होगा।
न्यूट्रिशन वेयर दैट इज आल्सो प्रेजेंट होगी बिकॉज वाले आपने देखा है प्लेसमेंट ऑफ बी बॉक्सेस आप उसको किस तरीके से प्लेस करते हैं ताकि मैक्सिमम जो है वो आप वो गेट कर सकें. सो दीज आर द रीजंस फॉर बॉक्सेस. डेटा कलेक्शन के लिए दो तरह से हम करते हैं. एक तो ओल्ड मेथड है जिसमें ज़्यादातर हम रिलाई करते हैं मैनुअल डेटा कलेक्शन पे बाय द बीकीपर्स और जो डिसीजन मेकिंग बिहेवियर बीज बाय मेकिंग टैग्स ऑन द बीज वो उस पर कर लेते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा मैनुअल काउंटिंग ऑफ बीज हो रही होती है और एक्सपीरियंस की बेस पे ज़्यादा वो काम हो रहा होता है. दिस वर्क वेल जहाँ तक छोटी तादाद में अगर आप हाइट्स को मॉनिटर कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर लार्ज स्केल पर कर रहे हैं तो उसके लिए फिर ये मैनुअली उसको करना पॉसिबल नहीं है. स्पेशली अगर आपने अपने बॉक्सेस को रिमोट एरियाज में रखा हुआ है या ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहाँ पर आपके जाना कम है और वहाँ पर कोई पर्सन भी नहीं है फिजिकल. जो न्यू मेथड्स हैं आजकल जो इंटरनेशनली यूज हो रहे हैं पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इतना काम नहीं हुआ बट दुनिया में काम हो रहा है. आईओटी बेस्ड सेंसर्स के साथ डेटा कलेक्शन जिसमें टेम्परेचर ह्यूमिडिटी वेट आर्टिकल बिगर बॉडीज तो किस तरह से जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं वो कैसे हेल्प करती हैं रिसर्च में भी उनके बिहेवियर्स को एनालाइज करने में भी और फिर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में. बाकी जो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी या वेट है ये तो बड़ी ऑब्वियस बात है इजीली अंडरस्टैंडेबल है कि कितना टेम्परेचर जो है वो आइडियल होना चाहिए आगे डिस्कस करेंगे ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए और फिर वेट को कैसे हम मेजर करके ऑटोमेटिकली हमें एग्जैक्ट पॉइंट पता चल जाता है कि अपना हार्वेस्टिंग टाइम आ चुका है. तो इससे जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है हाइव के एनवायरनमेंट की भी और इसकी बिहेवियर की भी. इसके अलावा जो हम हाइव्स का हेल्थ स्टेटस है उसको भी कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सकते हैं. तो यहाँ पर आप अपने ऑफिस में बैठे हैं या अपने घर में बैठे हैं वहीं से आप मोबाइल ओपन करें या वेबसाइट ओपन करें और वहाँ से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं जिस वगैरह वहाँ पर टेम्परेचर क्या चल रहा है ह्यूमिडिटी क्या है कौन सी एनोमलीज जनरेट हुई हैं दरम्यान में उसकी रीजंस क्या थी वो आप उसको थोड़ा बहुत गेस कर सकते हैं. बट ऑब्वियसली इसमें जो चैलेंजेस हैं कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर के दैट रिक्वायर न्यू अप्रोचेस. इसमें फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग जरूरी है एफिशिएंट और लार्ज स्केल होना चाहिए फिर उसमें मिनिमम डिस्टर्बेंस ऑफ नेचुरल सेटिंग होनी चाहिए क्योंकि बीज जो हैं वो कल से डिफरेंट टॉक्स में से होने के जो माइनर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उससे भी वो अफेक्ट होती हैं उनकी प्रोडक्शन जो है ना वो रिड्यूस हो जाती है. सो लेटेस्ट ट्रेंड्स में यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन फॉर हेल्थ एंड बिहेवियर ऑफ बीज एंड हाइव्स. सो अपने बीज का बिहेवियर को भी देखना है और हाइव्स की हेल्थ को भी देखना है और उसमें जो बीज की पॉपुलेशन के अंदर लॉसेज हैं उनको मिनिमाइज करना है जो हनी प्रोडक्शन के लॉसेज हैं उनको मिनिमाइज करना है. इसके अलावा जो बाई प्रोडक्ट्स हैं हाइव्स की उनको भी आपने देखना है कि वो उससे भी आप अर्निंग कर सकते हैं और रिमोट एक्सेस ऑब्वियसली जो आइडियल सिचुएशन नहीं होती कि आपको फॉरेस्ट मिले या आपको जो है वो प्रॉपर क्रॉप एरिया मिले तो रिमोट एरियाज में भी आप जो है वो बीकीपिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी उसकी जो एक्सेस है उसको भी देखना होता है और रिड्यूस स्ट्रेस ऑन द बीज एज इट डज नॉट रिक्वायर फिजिकल इंस्पेक्शन. जब हम फिजिकली बॉक्स ओपन करते हैं तो उसके ऊपर जो वेदर का फैक्टर वो भी आता है टेम्परेचर ह्यूमिडिटी ये चेंज भी आता है क्योंकि आपने बॉक्स को ओपन करना है फॉर इंस्पेक्शन या फॉर चेंजिंग या फॉर हार्वेस्टिंग. तो अगर ऑटोमेटिकली हो रहा होगा वैसे फिर तो बीज जो है वो इनिशियली उससे ट्यूनर हो चुकी होती हैं तो उसमें कोई इंटरनल ऐसी चीज़ नहीं होती कि जिससे बीज अफेक्ट हों और आपकी मॉनिटरिंग भी हो रही होती है. एक रिलायबल हाइव मॉनिटरिंग सिस्टम जो है उसमें तीन स्टेप जो मैंने डिवाइड किया है. पहला स्टेप है इसमें कि मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए जो कि क्वालिटी डाटा को कैप्चर कर सके. फिर उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि बी कीपर स्पेशली जो स्मॉल और मीडियम स्केल पे काम कर रहे होते हैं तो उनके लिए वो ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो. ऑब्वियसली हम लोग जब रिसर्च करते हैं तो उसमें क्वालिटी को और फिर उसमें मल्टीपल फैक्टर्स को देखना होता है तो उस पर एक्सपेंसिस ज़्यादा आते हैं. बट अल्टीमेटली हमारी यही कोशिश होती है कि जो बी कीपर या फार्मर है उसको हम एक ऐसी चीज़ प्रोवाइड करें एट दी
कॉस्ट में इसके लिए अफोर्डेबल भी हो और उसके प्रॉफिट को भी बढ़ा दी, अदरवाइज इसको अडॉप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. Withstanding the hive's outer environment, obviously resistant to rain, sunlight, wind, etc. ये सारी जो है स्पॉटिंग सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए. टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो इनसाइड द हाइव है उस पर वो काम कर सकते हो. जो कॉन्स्टेंट डिस्टर्बेंस होती है उसके भी इफेक्ट होती हैं, तो वो भी कम से कम होना चाहिए. इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है ना वो इफेक्ट करती हैं कि आपने जब कोई एडवांस किस्म का मॉनिटरिंग सिस्टम अप्लाई करना हो तो उसमें ये फिर इन चीज़ों को भी कंसिडर करना हो. आइडियली काम कर रही होती है, अगर इससे ऊपर होना शुरू हो जाए तो वो भी इफेक्ट करता है, इससे काम हो जाए तो वो भी इफेक्ट करता है, क्योंकि बीज जो है वो एक तो एक्सटर्नल सोर्स से जो टेम्परेचर है उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली बीज जो है वो कुछ प्रोसेसेस करती हैं जिससे टेम्परेचर जो है उसको वापस 35 के अराउंड लेके आती हैं. स्पेशली अगर 45 से ऊपर चले जाए तो उस पर लार्वा जो और जो बीज हैं वो डायर होना शुरू हो जाती हैं. इस तरह से अगर टेम्परेचर बहुत कम हो जाए तो उसके ऊपर भी बीज जो है वो ठीक है. तो उसमें भी हमें अगर तो वहाँ पे आप डेली बेसिस पे इंस्पेक्शन नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर टेम्परेचर मेजरमेंट का मैकेनिज्म नहीं है, तो आपको नहीं पता चलेगा कि इस वक्त वहाँ पे टेम्परेचर क्या है, और वो आपकी केयर ना करने की वजह से जो बीज हैं वो डाई हो सकती हैं, वो हार्वेस्टिंग का काम हो सकती है. लेकिन अगर आपने वहाँ पर कोई टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ है और वो आप फॉरन देख सकते हैं कि इसमें वहाँ पर टेम्परेचर क्या चल रहा है, या कल का पूरे दिन का ग्राफ है उसमें इन इन टाइम्स के ऊपर जो है टेम्परेचर शूट हुआ है, तो आप उसके लिए फिर जो डिफरेंट मेजर्स हैं एक्सटर्नल को ले सकते हैं, उसको कहीं और प्लेस कर दें या उसके अंदर कोई वेंटिलेशन का सिस्टम कर दें, ओपनिंग्स नीचे ऊपर वाली खोल दें ताकि क्रॉसिंग हो जाए. आल दो जो बीज हैं वो इटसेल्फ कुछ ना कुछ कर रही होती हैं, अपनी कवरिंग करती हैं विंटर में ताकि टेम्परेचर जो है वो मेनटेन रहे, और इसके अलावा वो जो विंग्स हैं उनको मूव करती हैं जिससे टेम्परेचर इंक्रीज होता है. इस तरीके से जो है ऑटोमेटिंग भी हो रही होती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर बीज खुद पर खुद कुछ नहीं कर सकती, वहाँ पर आपको एक्सटर्नली कुछ ना कुछ करना पड़ता है ताकि टेम्परेचर जो है वो 35 करके. ये जो मैकेनिज्म है डाटा को कैप्चर करने का वो उसमें क्वालिटी ऑफ डाटा होना चाहिए. स्टेप टू पे जो है आपने डाटा तो ट्रैक कर लिया, आपने इसको वहाँ से ट्रांसफर करना है तो ऑनलाइन सर्वर जहाँ पर आपकी मॉनिटरिंग चल रही होगी, एयरपोर्ट होगी या रिसर्च एनालिसिस कर रहे होंगे. तो उसमें जो चैलेंज आता है वो ये कि अगर आप रिमोट एरियाज में आपने हाइव्स को रखा हुआ है वहाँ पे पावर का इशू हो सकता है, वहाँ पे इंटरनेट का इशू हो सकता है. तो ये चीज़ें भी देखनी होती हैं कि वहाँ आपके पास कोई नियर बाई बिल्डिंग है, आपके घर के अंदर आप कर रहे हैं या ऑफिस के अंदर कर रहे हैं या जिस जगह पर भी आप हैं वहाँ पर अराउंड द रोड साइड कोई इंटरनेट सर्विस है या आपको कोई मोबाइल ऑपरेटर के थ्रू सर्विस देनी होगी, वो भी डिपेंड करता है. बहरहाल कोशिश ये करनी चाहिए कोई इनएक्सपेंसिव हो और आपको उसका एडवांटेज ज़्यादा होगा बजाय इसके कि नुकसान हो रहा हो. फिर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है कि आपने आपको सेट कर सकते हैं कि जी मुझे हर एक मिनट के बाद डाटा चाहिए या हर 10 मिनट के बाद डाटा चाहिए. तो अगर आप 2 बैंडविड्थ हैं आपके पास नेट स्पीड कम है तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा भी सकते हैं, और अगर अच्छा इंटरनेट है तो आप उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं. सो इट्स अप टू यू कि आप उसकी जो फ्रीक्वेंसी है कितनी सेट करते हैं. तो नॉर्मली अगर टेम्परेचर मॉनिटर कर लें तो 5-10 मिनट में कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, तो आप 5 मिनट का इंटरवल रह सकते हैं. 5 मिनट के बाद एक रीडिंग के लिए कुछ ज़्यादा बैंडविड्थ कंज्यूम नहीं होगा. तीसरा जो पार्ट है फाइनली कि डाटा कलेक्ट भी कर दिया आपने और उसको ट्रांसफर भी कर दिया सर्वर पे, अब आपने उसको डैशबोर्ड पर मॉनिटर कर रहे हैं. आप एक दिन की एक्टिविटी देख लें, करंट एक्टिविटी देख लें, आप पिछले महीने की देख लें, पूरे साल की देख लें, वो आपको करंटली इस साइकिल में भी हेल्प करेगी, और अगर आपके पास डाटा पिछले सालों का है तो वो भी आपको हेल्प करेगा कि कब कब किन दिनों में जाके ये जो रीडिंग्स हैं ये ऊपर नीचे होती हैं जिनको जाके आपने खेत में देखना है. ठीक है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी के अलावा भी जो फ्लावरिंग है, किस स्टेज पर बीज जो है ना वो हनी ज़्यादा बना रही हैं उस एरिया में, मीन के वो जो पीक पॉइंट है वहाँ पर फ्लावरिंग ज़्यादा है, वहाँ पर जो इन्वायरमेंट है इसलिए बहुत अच्छा है. सो ये चीज़ें आप वहाँ से एनालाइज कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाती है.
क्योंकि आपका स्पीकर जला भी टेम्परेचर की बात हो गई है 35 डिग्री चाहिए और इससे ऊपर अगर जाना शुरू हो जाए तो जो ब्रूड बेबी बीज हैं वो मरना शुरू हो जाती हैं ठीक है बाकी इसमें जो उनका ह्यूमिडिटी जो है हनी इज हाइड्रोस्कोपिक एज वेल एज हाइड्रोफिलिक हाइड्रोस्कोपिक का मतलब क्या है कि जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो वो पानी को अब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है ठीक है जिसमें नेचुरल एबिलिटी है हनी के अंदर और जो हाइड्रोफिलिक है इसका मतलब है कि जैसे जैसे ह्यूमिडिटी कम होगी तो वो उसको ड्राई करना शुरू कर देता है मॉइस्चर को कम करना शुरू कर देता है तो हनी के जो आइडियल है वो 50-60% ह्यूमिडिटी जो आइडियल है और जो 60% अगर ह्यूमिडिटी है तो उसमें जो बैलेंस आउट होता है वो 18.3% मॉइस्चर कंटेंट होता है इसलिए हम कहते हैं कि 18% तक जो मॉइस्चर है दैट इज वेरी गुड इसके अलावा 50% जो है ना उस पर और अच्छी क्वालिटी होती है इसमें फर्मेंटेशन जो है वो रनिंग होती लेकिन अगर 80% ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाए उससे उसका जो बैलेंस है मॉइस्चर कंटेंट का वो 33.1% हो जाता है उससे इसकी क्वालिटी लो हो जाती है यानी जो फॉर्मेट होना शुरू हो जाता है और फिर उसमें आपको प्रेशराइजेशन की जरूरत पड़ती है टू इंक्रीज द लाइफ विच इज इट्सेल्फ नॉट गुड क्योंकि उससे और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो ड्राई हो जाती हैं सो हाई अलो ह्यूमिडिटी इज अ रिस्क फॉर हनी एज वेल एज बीज एग्स एंड इम्पैक्ट पेस्ट एंड पैरासाइट जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी या कम होगी इस आइडियल से 50-60 के अलावा उसके जो अटैक्स हैं उसका भी ज़्यादा चांसेस हैं और उसके जो हनीज के एग्स हैं उनके ऊपर भी इम्पैक्ट होता है जब ह्यूमिडिटी लो होती है तो बीज जो है वो वाटर रिलीज करती हैं ताकि मॉइस्चर कंटेंट लो हो जाए और उसके अलावा वो फैन करती हैं ह्यूमिड एयर को फ्रॉम आउटसाइड ताकि मॉइस्चर को बैलेंस किया जा सके थर्ड जो इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो वेज है वेट से आपको ये पता चलता है कि हाइव की हेल्थ क्या है हनी जो है वो डेली कितना इंक्रीज हो रहा है उसमें सिर्फ हनी ही होगा उसमें ऑब्वियसली पॉपुलेशन भी होगी आल्दो जो बीज हैं उनका वेट बहुत कम होता है लेकिन फिर भी जब थाउजेंड्स की तादाद में होंगे तो उससे भी उसके वेट में फर्क पड़ता है वो फिर आप चेक कर सकते हैं कि ये जो इंक्रीज आए हैं जैसे ग्राफ में आप देखते हैं फिगर 7 में तो इससे पता चल रहा है कि जुलाई के करीब जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू गई है वहाँ पर उन्होंने हार्वेस्ट किया उसके बाद में उसको तो इससे आपको अगर आप कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करें तो आपको आइडिया हो जाता है कि इस टाइम इसमें इतना हानि है कि इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं बजाय इसके कि आप उसको बार बार ओपन करें और बीज को डिस्टर्ब करें उसकी जो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी है उसको भी चेंज करें तो उससे बेहतर है कि आप मॉनिटरिंग टूल के थ्रू देख लेंगे तब इसकी जरूरत पड़े उसके लिए भी ये कि जो वेट के लिए हम नीचे सेंसर्स लगाते हैं उसकी एक एग्जांपल सामने नज़र आ रही है फिगर 5 में ये फ्रेम के ऊपर 4 सेंस लगे हुए हैं जैसे इसके ऊपर आप हनी बी का बॉक्स रखते हैं हाइव रखते हैं तो वो उसके जो वेट है वो चलना शुरू हो जाते हैं आगे इसको आप रास्पबेरी पाई के थ्रू भी थोड़ा कॉस्टली है उसके थ्रू भी आप डाटा गेट कर सकते हैं लेकिन इसके अलावा आर्डिनो भी यूज़ कर सकते हैं वाईफाई मॉड में जाना है तो नोड एमसीयू है वो यूज़ कर सकते हैं उसकी कॉस्ट भी कम है और आपको तीनों डाटा इजीली ट्रांसफर कर देता है जिसमें टेम्परेचर ह्यूमिडिटी और वेट है बाकी अगर आपने वॉइस पे जाना है वॉइस रिकॉर्डिंग्स डिफरेंट सेशंस आपने ट्रांसफर करने हैं वॉइस के क्योंकि वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है उससे भी आपको बहुत कुछ पता चल रहा होता है कि हाइव के अंदर क्या चल रहा है जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं ऑब्वियसली उसकी जो साइज़ है वो ज़्यादा होता है उसके लिए फिर हमें थोड़ा कॉस्टली इक्विपमेंट है रास्ते पर आए वो 8-10,000 से स्टार्ट होता है फिर 35,000 तक जाता है तो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल की जो है बी कीपिंग कर रहे हैं सो आर्टियो में इसमें जो साउंड मेक बाय बी इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन एक तो बीज जो है वो आपस में कम्युनिकेट भी करती हैं साउंड्स के थ्रू और बताती हैं कि डायरेक्शन क्या है एक्टिविटी कहाँ से फूड सोर्स अच्छा मिल रहा है इसकी क्वालिटी कैसी है तो वो वापस आके बाकी जो सिस्टर बीज हैं उनको बताती है विद साउंड वो आप साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है उसके ग्राफ देख के कि देयर इज समथिंग चेंज जो बीज हमारे सके ये वॉइस निकाल रहे हैं एक और रिसर्च हुई थी वन ऑफ द रिसर्च इज के जो एक सिग्नल है पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड
eye over hard with them, the discum freeze bhi ho jati hai theek hai to sari akhiyan jo hai wahan pe stop ho jati hai koi work nahi karti to usko bhi jo scientists hain researchers hain unhone usko record kiya aur jo wo sound eye speaking ke bahut bada problem aa gaya iske alawa guided dance pulses sound ke form mein ये भी परफॉर्म करती थी और ये इंफॉर्मेशन जो है सर्वे करती होती है इसके अलावा आडियो जो है वो आइडेंटिफाई करती हैं कि स्वामी इंडिकेटर्स को आपको अंदाज़ा हो जाता है कि स्वामी जो है वो हो रही है अगर कोई रॉबरी अटैम्प्ट होती है तो बी साउंड आती है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अटैम्प्ट ऑफ बर्ड्स कैच नोन द एंट्रेंस जो हाई एंट्रेंस के ऊपर जो भी उसमें जो बर्ड जो है आप कैच करने की कोशिश करते हैं फॉर देयर फूड उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं वहाँ पर स्पेशली साउंड प्रोड्यूस होती हैं इसके अलावा जो बी कीपर्स की इंटरफेरेंस है वो भी रिकॉर्ड होती है उसकी वजह से बीज हैं वो डिफरेंट साउंड निकालती हैं क्योंकि एक्सटर्नल जो है वो इंक्लूजन हो गई होती है मैंने एक एग्जांपल दी है वैसे तो कोशिश होती है कि जितना भी इक्विपमेंट है वाटर भी लगाया जाए ताकि बीज को इंटरनली उसमें इफेक्ट ना आए लेकिन अगर आप रूम के ऊपर या इंटरनल उसकी साउंड रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो ये भी एक रिसर्च हुई है जो जिसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंटल यूज़ किया और वो हाइव के अंदर प्लांट किया और उसमें जो एक फियर था कि शायद इंटरनली अगर इसको लगाएंगे तो उससे कोई ख़राब हो जाएगा या उससे बीज जो ना इफेक्ट होंगे ऐसा भी नहीं हुआ उसकी जो कंडीशन है वो एक साल बाद ही ठीक रही लेकिन अगर आपने इंटरनल उसकी कोई साउंड रिकॉर्डिंग करनी है तो वो भी आप इस तरीके से डिवाइस लगा के कर सकते हैं बी काउंटिंग भी की जाती है उससे पता चलता है कि कितनी भी हाइव के अंदर आ रही है कितनी बाहर जा रही है कुछ कुछ मैनुअल मेथड्स भी हैं कुछ ऑटोमेटिक भी हैं ये डिफरेंट रिसर्च जो है वो उस पर नहीं है टाइम फेयर से मैं सारे डिस्कस नहीं करूँगा जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि बी काउंटिंग एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जिससे आपको हाई हेल्थ के बारे में पता चलता है जो वीडियो है उसमें हम क्या कर सकते हैं तो उसकी डी काउंटिंग कर सकते हैं फिर अगर उसमें भी एक जो आप प्रैक्टिकली जब आप उसको डिप्लाई करते हैं तो वो एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए इसी तरह भी ख्याल रखना होता है मिनिमम डिस्ट्रक्शन होनी चाहिए उसके जो नेचुरल बिहेवियर है बीच का उसमें और इसके अलावा जो सर्वेंस हैं आपको अर्ली इंटरवेंशन किया हुआ इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपको ट्रैफिक की नाउ का पता चल रहा होता है आप अपनी एंट्रेंस के ऊपर लगाते हैं ताकि जो भी ट्रैफिक है वो किसी भी बाहर जा रही है किसी अंदर आ रही है तो उनके एक भी जो है वो ऑन एवरेज 6-7 दफ़ा हनी कलेक्ट करके लाती हैं तो वो आपको से पता चल जाता है कि वर्कर्स कितनी मिसिंग है इसमें एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स नॉन भी आप उससे वो एस्टिमेट कर सकते हैं इसमें वर्कर भी कितनी है नॉन भी कितनी है ट्रेडिशनल फार्म्स कर सकते हैं जो रॉबरीज हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके अलावा जो डिफरेंट माइट्स हैं जैसे वेवा माइट है इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं फिगर में आप देखे होंगे कि उसके ऊपर वो ओवल शेप के रेड सर्कल्स बने हुए हैं इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू या वीडियोज के थ्रू आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अगर ये टाइमली आइडेंटिफाई हो जाए तो आप बहुत बड़े लॉस से इसको बचा भी सकते हैं अक्सर यही होता है लॉस की रीज़न ये होती है कि आप उसको बहुत देर बाद आके आपको पता चलता है फिर मैनुअली जाके देखेंगे उसको इफेक्ट करेंगे किसी के लिए तो फिर आगे होता है इसलिए कि आपको उस वीडियो से रिमोटली एनालाइज कर लेते हैं कि जी कोई जो अटैक जो है वो आ चुके हैं तो उसकी जो भी लाइट किस्म की ट्रीटमेंट्स हैं वो आप दे सकते हैं फिर बी फाइट्स पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंक्लूजन्स पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके अलावा जो विंग की फॉर्मेशन हो जाती है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो फिगर नंबर 10 आप देख रहे हैं बॉटम पे कि जो बीज है उसके जो पर हैं वो ख़राब हो गए तो वो जो डीफॉर्मेशन है वो आप इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं आईओटी बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होनी चाहिए एक तो रिलायबल हो ये नहीं कि आपने लगा दिया और उसके बाद वो डाटा ना दे और आप समझ रहे हैं हर चीज़ ठीक है तो दैट वाज की रिलायबल इनएक्सपेंसिव होना चाहिए प्रैक्टिकली उसको अडॉप्ट कर सकें उसमें हम क्या सजेशन देंगे कि किस तरीके से हम उसको डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड कर सकते हैं ताकि यहाँ पे अपने हिसाब से उसको बना सके या परचेज कर सके मिनिमम डिस्ट्रक्शन होनी चाहिए जो साइड्स हैं बी हाइव के वो आप प्रोवाइड करें वार्निंग्स दे सके
टाइमली टेम्परेचर इससे ऊपर चला गया, इससे कम चला गया, ह्यूमिडिटी क्रॉस हो गई है, या उसका जो वेट है वो आपने सेट किया हुआ है कि जैसे ही इसका वेट 40 किलोग्राम हो आपको एक अलर्ट चला जाए कि हार्वेस्टिंग टाइम आ गया है। सो इस तरह के अलर्ट आप होते हैं रिकॉर्डिंग। और इसके अलावा जो डायरेक्ट इनकी प्रिंसिपल होते हैं जहाँ पे आपके क्रॉस स्टार्ट हो जाता है उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो दुनिया में काम हो रहा है, सबको मैं डिस्कस नहीं करूँगा। टाइम के हिसाब से जो बी मॉन पहला है वो डिस्कस करेंगे हम, ये यूएसए में इस पर काम हुआ है 2021 में। फिर आइसन फाइव सिस्टम है, ये कंपनी है यूएसए की जो आईओटी बेस्ड मॉनिटरिंग प्रोवाइड कर रही है। एडवांस बी हाइव मॉनिटरिंग एक इकी में काम हुआ है इसके ऊपर, ड्राइविंग जो है ग्रीस में एक साइट है जो कि इस पर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सर्विसेज में दो तरह की सर्विसेज है, एक तो ये कि आपको ट्रेनिंग दी जाए कि ये चीज़ें आपने लगानी कैसे हैं, आपको किट प्रोवाइड की, और सेकेंडली पर मंथ बेसिस पे सर्विसेज मिलती हैं कि आप हमारे साथ मॉनिटरिंग सिस्टम लगवा दें, घर पर मॉनिटर करें और उसके लिए पर मंथ बेसिस पे आपके जो है वो $4-$5 पर मंथ के हिसाब से इस तरह चल रहा है। तो इसके अलावा हाई टेक सिस्टम है, प्रोटेक्ट है, ये इसका बीमॉन का आर्किटेक्चर है। बीहाइव्स के अंदर डिफरेंट जो है ना वो रास्पबेरी पाई के डिवाइसेस लगे हुए हैं, वहाँ से एसएसएच कनेक्शन के थ्रू डाटा ट्रांसफर हो रहा है, जो टेम्परेचर मॉनिटरिंग कर रहा है वो एमक्यूटीटी की प्रोटोकॉल के थ्रू जा रहा है, वीडियो वाइज ट्रैफिक की प्रोटोकॉल के थ्रू जा रहा है, और फिर सर्वर पर डाटा जो है वो माइनिंग स्टेशन पर, और फिर उसके बाद रिसर्च जो है उसको यूज़ कर रहा है। ये इसके कंपोनेंट्स हैं जिसमें हार्डवेयर बेसिक है, फिर उसके बाद जो मेन कंपोनेंट है जो हार्डवेयर से डाटा कलेक्ट करता है उसको पाई बी मॉन कह रहे हैं। फिर बी बी है जो वीडियो इमेज प्रोसेसिंग के टूल है, बी फोन जो है वो वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए है, बी स्क्रीन जो है वेब टूल है फॉर स्ट्रीमिंग लाइव एंड वीडियो कलेक्शन, बी बेस जो है वेब टूल है फॉर डाटा एनालिटिक्स, बी लाइव जो है वो डैशबोर्ड एंड मॉनिटरिंग के लिए। ये इसका हार्डवेयर है, तो नाइन पे सीमेंटी रास्ता फोर जो है ये 32,000 के अराउंड है, 3 बहुत कम है, लेकिन ये तब लगाएंगे अगर आपने वॉइस वीडियो पे जाना है, अगर आपने टेम्परेचर ह्यूमिडिटी और वेट पे जाना हो तो फिर आप आर्डिनो भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी कॉस्ट जो है 1,000 रुपीज़ के अराउंड है। कैमरा वो भी आप क्वालिटी के हिसाब से जितना अच्छा लगाना चाहें लगा सकते हैं, बट ऑब्वियसली इसकी प्राइस भी ज़्यादा है। जैसे माइक्रोफोन इसमें यूज़ हुआ था, और जो ह्यूमिडिटी टेम्परेचर के लिए सेंसर राइट पे आप देख रहे हैं PM-302 डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए जो डिप्लॉयमेंट है वो दो तरह से हो सकती है, वाइड भी हो सकती है, वायरलेस भी, तो वेलिंग के लिए तो आप इंटरनेट की केबल लगा के इंटरनेट ले सकते हैं, पावर भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप रिमोट एरिया में हैं तो फिर आपको वायरलेस पर जाना पड़ेगा। उसमें जो टेक्नोलॉजीज आप यूज़ कर सकते हैं उसमें वाईफाई है, ZigBee, LoRa, ब्रॉडबैंड नेटवर्क्स ये आप यूज़ कर सकते हैं, मार्केट से डिवाइसेज मिल जाती हैं। इसके अलावा जो पावर सोर्स है उसके लिए आपको सोलर के रिचार्जर बैटरी लगानी पड़ेगी अगर वो हो गया। दिस द फाइनल स्लाइड वे फॉरवर्ड, इस वर्कशॉप का जो ऑब्जेक्टिव था कि हमने IoT को कैसे यूज़ करना है बीकीपिंग के अंदर, ताकि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग भी हो सके, हम उस पर रिसर्च भी कर सकें, एक मॉडल प्रिपेयर कर लें, और उसके बाद हम बीकीपर्स को गाइड कर सकें कि किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें ताकि वो अपने प्रॉफिट कंप्लीट कर सकें। इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक तो ये कि फंडिंग एजेंसी से हम एक मॉडल हाइव प्रिपेयर करें यहाँ पर यूनिवर्सिटी में, और उसको फिर 24/7 ऑनलाइन वेब सर्वर के तौर पर यूज़ करें, खुद भी उससे फ़ायदा लें और जो बी कीपर्स हैं वो भी इसको यूज़ कर सकें। इसके अलावा हम अपना एक रीजनल सिस्टम यहाँ पर प्रिपेयर करें जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बी कीपर्स को वेब सर्विस प्रोवाइड करें। फॉरम की बहुत ज़रूरत है, काफ़ी डॉक्टर आसिफ ने बताया था कि जैसे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक अदारा है, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल का एक अदारा है, वो उनके पास एग्जैक्ट फिगर्स होती है कितने डॉक्टर्स हैं कितने इंजीनियर हैं, बट हमारे पास भी ऐसे फैमिली का अदारा नहीं है जो बता सके, हम लोग फिगर्स भी पेश करती हैं, किसी पास 10,000 बी कीपर्स की फिगर है, किसी के पास 7,000 की है, किसी के पास 14,000 की है। तो अगर कोई फोरम हो जिसके ऊपर नेशनल लेवल पे जिसके ऊपर सारे स्पीकर जो है वो
जो डिफरेंट अटैक्स होते हैं, डिजीजेज आती हैं, उनको भी डिस्कस करें ताकि वो उसको फौरी तौर पर ठीक कर सकें। सो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रेनिंग और इंस्टॉलेशन की है वो हम यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। बी कीपर की साइड पर अगर तो उसके पास इंटरनेट और पावर का अरेंजमेंट है तो उसको मैंने तीन हिस्सों में डिवाइड किया। एक स्मॉल स्केल है जिसपे वो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर की किट दिए, जिसकी कॉस्ट जो है वो 3 से 4 हज़ार रुपये बनती है, वो अपनी साइट पर लगा दे और हमारा जो वेब सर्वर है उससे वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगी और वो मोबाइल के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू वहाँ से मॉनिटर कर सकेगा। सेकेंड जो मीडियम स्केल है वो उसमें सेंसर जो वेट सेंसर है उसको भी ऐड कर सकते हैं, तो उसकी क्योंकि 2-3 हज़ार कॉस्ट बढ़ जाती है, तो जैसे भी लगेंगे 6-8 थाउज़ेंड बढ़ जाएंगे। फिर जो लार्ज स्केल है ये कुछ जो बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं बीकीपर्स में है, वो उसमें ये पाँचों प्रॉपर्टीज होंगी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वेट, साउंड एंड वीडियो रिकॉर्डिंग। तो इस केस की जो कॉस्ट है वो 20 से 40 हज़ार तक बनती है। तो ये हम अगर जो बीकीपर हैं और ये किट्स लगा लेते हैं तो हम ये कर सकते हैं, अगर ये सिस्टम बन जाता है यहाँ पर कि हम उनको वेब सर्विस फ्री दे दें कुछ ऐसे के लिए, वो उसको मॉनिटरिंग कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। तो दिस इज़ द वे फॉरवर्ड जो कि हम चाह रहे हैं कि इस वर्कशॉप में हम इसको आगे इस तरीके से लेकर चाहिए। थैंक यू। ये जो आपने कॉस्ट शेयर की है ये पर कॉलोनी है या पर अपेरी है? ये एक यूनिट की कॉस्ट है, एक हाइव की। एक यूनिट जो है वो आप एक हाइव में लगा लें या मल्टीपल में लगा लें, तो अगर डिफरेंट किस्म के अपेरीज हैं तो इसमें रिकमेंड है कि हाइव के लिए डिफरेंट लगाएं। लेकिन अगर आपने उनके अगर टेम्परेचर को मॉनिटर करना है तो एक एरिया में तकरीबन एक जैसे ही होता है, तो आप पूरी कॉलोनी में पूरी अपेरी में एक लगा लें तरीके से ना। ठीक है। और वेट के लिए अगर आपको, तो फिर हर हाइव के अंदर आपको लगाना होगा। जी वो उसमें भी ये कि अगर हम अज्यूम करेंगे कि अगर यहाँ पर 10 हाइव्स हैं तो किसी एक में आप लगा दें ताकि उससे आइडिया हो जाएगा कि इसमें अगर ये ग्राफ चल रहा है तो अप्रॉक्सीमेटली बाकी में एवरेज एवरेज रेशियो आ जाएगी, क्योंकि हमें कॉस्ट को भी देखना है ना। अगर हम हर एक में लगाएंगे तो फिर वो कॉस्ट ज़्यादा होगा। तो ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ आइडिया, अगर आपकी 5-6 रिमोट साइट्स हैं तो आप यहीं से बैठ के आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो हर एक में लगाना जो है ना वो फिर आप किसी पर नहीं होगा, कॉस्ट ज़्यादा है। बस साउंड सेंसर भी किसी एक कॉलोनी का ज़ाहिर है, जो जैसे अगर फर्ज करें वीडियो सेंसर है तो वो आपको डिफरेंट कॉलोनी में रिक्वायरमेंट इसलिए होगा कि ज़ाहिर है कौन सी कॉलोनी में माइट है कौन सी में नहीं है। साउंड सेंसर है वो ज़ाहिर है आपको इंडिविजुअल कॉलोनी का ही बिहेवियर बताएगा, हर कॉलोनी का नहीं बताएगा, लेकिन ये उसी का बताएगा। ओवरऑल मतलब हाँ, किसी एक के आप मॉनिटर कर रहे होते हैं तो फिर आप जब जाते हैं साइट के ऊपर तो सारी ही बंदा उसको चेक कर लेते हैं। ये साउंड वाली की आपने कॉस्ट क्या बताई थी? ओनली ओनली साउंड उसके लिए तो आप 3000 कर लें, एक्सपेरिमेंटल यूज कर लें, वो ज्यादा कॉस्टली नहीं है। अच्छा, द क्वालिटी भी डिपेंड करता है, आपको 500 का मिल जाएगा, 5000 का मिल जाएगा, जो भी आप लगाना चाहते हैं। उसकी प्रोडक्शन डिक्रीज हुई है और उनकी रीजन थी ये जो मोबाइल का और सिग्नल है डिस्टर्बेंस की वजह से हनी बीम है वो पॉलिनेशन कम हुई है। तो आप अगर ये चीज़ें लगाते हैं तो उनके सिग्नल का इफेक्ट नहीं होगी, इसके बारे में ये एक तो ऑलरेडी क्योंकि जहाँ भी आप लगा रहे हैं वहाँ पर सिग्नल्स होंगे डिफरेंट कंपनीज के, वो इफेक्ट ऑलरेडी आ रहा होगा। बाकी इसमें अगर आप वाइड कनेक्शन करेंगे तो वहाँ से कोई भी सिग्नल जो है ना वो ट्रांसफर नहीं हो रहा था, सारा वाइड हो जा रहा है। वाईफाई के अंदर ऑब्वियसली ये थोड़ा सा आएगा, बट आई थिंक जो एडवांटेज है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डिस्ट्रॉय। बेसिकली बीस का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो इंफ्रारेड बेस्ड है और वो इंफ्रारेड बेस्ड कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करते हैं वैसे मोबाइल सिग्नल या जो भी वर्ल्ड वाइड सिग्नल है। वाईफाई का सिग्नल वहाँ पे रखा था, हमने एक्सपेरिमेंट किया था और मोबाइल के सिग्नल से वो डिस्टर्ब हो रही थी। तो आया आप समझते हैं जो हम इतना बोल रहे हैं मतलब आई टी साइड पे ना, तो
वो तो ढूंढ के बाद देखे हम डिवादा पहुँच में जाएंगे, लेकिन हमारे जो बीकीपर हैं तो आए वो इस पर सेट कर लेंगे जब मोबाइल के सिग्नल तक वो डिस्टर्ब हो रही है। और इस तरह सर ने बताया कि एप्पल की वो जो यील्ड है वो कम हुई है, तो आया जो हम लोग इसके अंदर जो ऑडियो वीडियो या बाकी चीज़ें जो हम देख रहे तो ये डिस्टर्ब नहीं होंगी। जब वो बाहर से वो इतना डिस्टर्ब हो रही है तो अंदर जाके मतलब वो नहीं होंगी। हमने यहाँ पर कभी इसकी कोई रिसर्च अभी नहीं की, हम उसको प्लान कर रहे हैं रिसर्च करेंगे। अभी जितना भी डाटा मैंने दिखाया वो सारा का सारा इंटरनेशनल। लेकिन सर हमारे बीकीपर खैबर पख्तूनख्वा से जो है ना ज़्यादातर वहाँ पे हब है, वहाँ पे वो लोग उस चीज़ को सेट करते हैं कि हमें रियलिटी दें, ना कि आप किताबी बातें करें या इस तरह। ये तो हम सारे कहते हैं इस तरह होगा, स्मार्ट एग्रीकल्चर साइड पर हम जा रहे हैं, तो आप लोगों ने क्या किया अभी तक? हम यही तो करने जा रहे हैं, यहाँ पे हमारे अभी इस वर्कशॉप का एक ऑब्जेक्टिव जो डॉक्टर आसिफ में भी अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स में बताएंगे, इस वर्कशॉप का मकसद ये था कि जो बाहर लोग एडवांटेज ले रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, हम उन्होंने उसको इंडिजिनस बनाया, यहाँ पे भी उसको यूज़ करें। ऑब्वियसली जो आपका फिगर है उसको भी हम हैंडल करेंगे। हम जो अभी हमने स्टार्ट करना है, इसके रिसर्च करनी है, एक दो साल में इसके रिजल्ट आएंगे, फिर हम बताएंगे व्यक्ति के यहाँ के एनवायरमेंट के अंदर बी कीपर्स के लिए यूजफुल है या नहीं है। अभी तो हम इसको इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं अपने लोकल एनवायरमेंट के हिसाब से और लोकल बी कीपर्स के हिसाब से। अभी जितना काम हमने प्रेजेंट किया है ये यहाँ का नहीं है, दोनों ऑप्शन जो अंदर अभी तक लगा है वो सिर्फ साउंड वाला एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिन्होंने वो जो अंदर फ्रेम है उसके अंदर अंदर से तार गुजार के वहाँ पे लगा के उसको फिक्स किया था फ्रैक्स के, और उससे उन्होंने काफ़ी सारी साउंड रिकॉर्ड किए। सर एक है मुल्तान में डॉक्टर अब्दुल रहमान, वो होम्योपैथी डॉक्टर हैं, उन्होंने अपनी अपैरिस के अंदर ये लगाए हैं अभी साउंड का सेंसर्स और वेट के सेंसर्स लगाए हैं, वो तो वो 3-4 महीने के अंदर उनके आंकड़े आ जाएंगे। यूज हो रहे हैं ऑलरेडी, इंटरनेशनली यूज हो रहे हैं काफी। सारी शेयर होंगी आपसे आगे जाके, जैसे रिसर्च कंप्लीट होगी सारी शेयर होंगी और उसमें जो एडवांटेजेस हैं वो नजर आएंगे, तो बीकीपर्स को फॉलो करेंगे। मैंने शुरू से ही कहा है कि ज्यादा एक्सपेंसिव पे हम नहीं जाएंगे, हम वो चीज करेंगे जिससे बीकीपर को फायदा हो। मेटावर्स की तरफ इंसान भी जा रहा है, अफेक्ट तो होगा टेक्नोलॉजी से।